आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि झारखंड सरकार कर्मचारी पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसके रिगार्डिंग हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ बता दें आपको कि ये वैकेंसी अपडेट अभी जस्ट निकल के आई हुई है, ठीक है। इसकी सारी नोटिफिकेशन हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे योग्यता जो होगी वो आपका मैट्रिक बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और मैट्रिक बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 से आपका यहाँ पे सैलरी जो है आपका स्टार्ट होगा। अप्लाई करने की सारी प्रोसेसें बताएंगे, झारखंड ऑल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में समझ में आ जाए कि कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है, कितनी पोस्ट पे निकाली गई है। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है जो कि ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/6/2022 को निकाला गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से आपका यहाँ पे जो कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था चतुर्वर्ग पे ये आपका यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसके वजह से ये आपका मैट्रिक के प्रोसेस पे यहाँ पे वैकेंसी आपकी होगी, ठीक है। इसमें हम पहले बता दें कि आपका जो यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेसें होंगे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। झारखंड के नागरिकों को यहाँ पे वैध प्रमाण पत्र राजेंद्र आयुर जो कि ये आपका देख सकते हैं आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्वर्ग संवर्ग से नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2022 निकाला गया है, जो कि नियमित भर्ती के लिए यहाँ पर आपका निबंधित डाक के माध्यम से आपका आवेदन करना है। 2/6/2022 से ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आवेदन, ठीक है। और ये आवेदन का डेट जो है 1/7/1/7 यानी कि 7वां महीना तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवेदन करने का जो दिया गया है कि 5 बजे तक आपको यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको निबंधित डाक आपको कर देना है, ठीक है। इसकी सारी फॉर्म आपको दिखाएंगे और सारी भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम का जो फ़ी आपका होगा उसके रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला अगर एग्ज़ाम की फ़ी की बात करें तो ये देख सकते हैं 600 रुपये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी रखा गया है। यहाँ पे छूट की बात करें तो ये झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कैंडिडेट के लिए 150 रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे फ़ी जो होगा ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा, ठीक है। अब इस फ़ी को हमको भुगतान कैसे करना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भुगतान करने की जो प्रक्रिया है, परीक्षा शुल्क का भुगतान ये आपका निर्देशक राजेंद्र आयुर्विज्ञान जो कि संस्थान रांची में बैंक खाता जो दिया गया है इस पे HDFC बैंक जो है वरियातु रांची में आपको ये जो IFSC कोड दिया गया है इसमें आपको यहाँ पे नेफ्ट करना है, NEFT या RTGCS आपको के माध्यम से जमा करना है, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ पे स्लिप देगा, उस स्लिप को आपको निबंधित डाक में आपको भेजनी होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितनी निकल के आई हुई है इसके बारे में। जैसे कि देख सकते हैं सफाई सेवक के लिए ये आपका पद निकाला गया है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 96 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट के लिए 21 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 61 है, अनुसूचित जाति के लिए 24 है, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए यानी कि BC1 के लिए 19 है और BC2 के लिए 14 सीटें हैं। टोटल सीट की बात करें तो 234 सीट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे 237 सीट पे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे रिक्त पदों की जो कुल यहाँ पे जो निकाली गई है रिक्त पद की कुल जो आधार पर ये आपका क्षेत्रीय आरक्षण के रीति के अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निःशब्द जन 4% रखा गया, महिला 5% रखी गई है, खेलकूद कोटा में आपका 2% रखा गया है, आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2% रखी गई है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन करने की यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिया हम आपको। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट्स बात कर लेते हैं कि कितनी यहाँ पे आपका सैलरी होगा और शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि पद एवं
वर्गीकरण की बात करें तो रिम्स रांची के अंतर्गत जो कि चतुर्वर्ग पे ये आपका यहाँ पे पद निकाला गया है। ये आपका यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लेवल एक होने वाला है, जिसमें से वेतन आपका यहाँ पे 5,200 से लेके 20,200 रुपया तक यहाँ पे होगी, जिसमें ग्रेड पे 1,800 होगा आपका, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक यानी कि 10वीं उत्तीर्ण होना आपका यहाँ पे अनिवार्य रखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यहाँ पे कुछ यहाँ पे रखा गया है कि झारखंड से राज्य से जो है मैट्रिक जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ पर देख सकते हैं सुनिश्चित रहेंगे, ठीक है। जिसमें से यहाँ संबंध पे यहाँ पे दिया गया है कि आपका यहाँ पे रखी गई है कि मैट्रिक आपका झारखंड से होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो ओलंपिक के लिए जो सीटें रखी गई है उसमें किस प्रकार से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट वैलिड होगा। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघ द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य में चैंपियनशिप होना चाहिए, जिसमें से आपका द्वितीय या तृतीय स्थान होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो है आपका अनुभव की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है क्या अनुभव के बारे में दी गई है। अभ्यर्थियों को 500 या उससे अधिक जो है विस्तरों वाले सरकारी अस्पताल संस्था में संबद्ध कार्य का 2 वर्ष का अनुभव आपका यहाँ पे रखी गई है, जिसमें से नोट में दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र उसी पत्र के लिए होनी चाहिए जिस पत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब संबंधित अस्पताल में लेटर पैड में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत किए गए होंगे या जिस पर पत्र एवं निर्गत की तिथि अंकित होगी, ठीक है। यहाँ पे और भी दिए गए हैं जैसे कि आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि आयु सीमा जो है आपका 1/8/2021 से न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे गणना होगा और 1/8/2021 अधिकतम भी सेम ही रखी गई है। न्यूनतम इस फॉर्म को भरने के लिए 18 साल आपका एज होना चाहिए और अधिकतम के लिए यहाँ पे दिया गया है टेबल बना के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल पर दी गई है। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर स्टूडेंट के लिए 35 रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा BC1 BC2 पुरुष के लिए 37, महिला के लिए 38, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 रखी गई है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो भी हम आपको समझाए कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो एक नज़र में तो यहाँ पे देख सकते हैं 25/2/2019 के बाद से यहाँ पे अंचलाधिकारी यानी कि CEO से आपका अगर बना हुआ है तो आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा, ठीक है, अन्यथा यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंस बता देते हैं, ज़्यादा बताने के बाद आपका यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पे दिशा निर्देश किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र को ये भरने से पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणियों को डाउनलोड कर लें ताकि यहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पहले आवेदन को भरने से पहले सारी चीज़ें आप यहाँ पे केयरफुल्ली पढ़ लें ताकि आपको यहाँ पे भरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आवेदन भरने की इम्पोर्टेंस कुछ डेटें दी गई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला अगर बात करें यहाँ पे तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि जो है 1/6/2022 से शुरू हो चुका है, जो कि आमंत्रित दे दिया गया है 1/6/2022 से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तिथि यहाँ पे दिया गया है, ये सबसे ऊपर में हम आपको यहाँ पे तिथि दिखाए थे कि क्या यहाँ पे तिथि दी गई है, तो ये आपका तिथि जो है आपका यहाँ पे 1/7/2022 तक यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो तिथि शायद मिस्टेक से यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिंट नहीं की गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं। परीक्षा का स्वरूप कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका तिथि के बारे में बात किए, ये आपका यहाँ पे परीक्षा के स्वरूप के बारे में कुछ बात बता दें आपको कि क्या क्या यहाँ पे स्वरूप दिए गए हैं। तो परीक्षा के अगर स्वरूप के बारे में बात करें तो मुख्य जो है परीक्षा आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होगी।
तो उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान से 20 रहेंगे, गणित से 20 रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी से 10-10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 100 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची तैयार किए जाएंगे, आपका यहाँ पे एग्ज़ाम के आधार पे ही मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सारी दिए गए हैं कि कट ऑफ कितने दिए गए हैं अनारक्षित के लिए, 40% यहाँ प्रश्न परसेंटेज रखी गई है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं निःशब्द यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी गाइडलाइंस दे दिए गए हैं, आप यहाँ पे केयरफुल्ली पढ़ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं सारी चीज़ें, आपको यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ठीक है। ये आपका सारा फॉर्मेट दिया गया है, आप यहाँ पे इस फॉर्मेट के आधार पे भी सारे चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये आपका निःशब्दता प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हम आपको बताए पहले भी ये सारे प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं आवेदन को आपको कैसे करना है, तो ये आपको फॉर्मेट निकलवाना है आपको, ठीक है। इसे प्रिंट आउट करवा के निकलवा लेना है पहले इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को आपको केयरफुली सारी चीज़ें भरना है ताकि इसे आपको स्पीड पोस्ट करनी होगी, जैसे कि विज्ञापन संख्या, पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पे आप भर रहे हैं, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, धर्म, जाति, ठीक है, पर ये आपका पता, अस्थाई पता, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे केयरफुली भरनी है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे आवेदक के लिए आपका दिया गया है, इस आवेदक को आपको यहाँ पे भरना है, और एक यहाँ पे संस्था के लिए दिया गया है, इसे आपको संस्था के लिए भरनी है, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो कि हम आपको बता दिए। किसी प्रकार की और भी डाउट्स प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज और या इन्फॉर्मेशन था ये आपका जो कि हम आपको बता दिए। इसी तरह का वीडियो आपको पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे इस चैनल के माध्यम से पर डे एक ना एक इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड मिलते रहती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।